सास मालिक अंग संग तो सासानिया मन में आ विश्वास भागे हाँ मैं संसार दुर्मति भागे
हरी जप जाग जगा
सतनाम साखी सतनाम साखी सोए अविद्या नींद में कहते हूं बहुकाल। प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमय वाणी आचार्य सदगुरु स्वामी टेऊ राम जी महाराज सत उपदेश देते हैं। बहुकाल का अर्थ क्या है? घंटे, दिवस, मास और साल नहीं, लेकिन बहुकाल का अर्थ है अनंत जन्म। अनंत जन्म तुम्हारे व्यतीत हो गए उस प्रभु परमात्मा से बिछड़े हुए। ऐसा नहीं कि एक साल एक जन्म चला गया, जब से सृष्टि उत्पन्न हुई तब से वही जीवात्माएं जो अभी हम बैठे हुए हैं, बीच में कोई भी ऐसा नहीं कि मेरा एक दो जन्म पहले मेरी आत्मा का अवतरण हुआ। जब से प्रभु परमात्मा ने सृष्टि बनाई तब से यह जीव आत्मा अनंत बार जन्म लेके फिर मृत्यु को प्राप्त होती है। तो हिसाब लगाएं कि कब से सृष्टि उत्पन्न हुई, अरबों खरबों वर्ष, अनंत जिसकी कोई गणना नहीं, तब से हम इस पृथ्वी पर आते हैं और जाते रहते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ जन्म व्यतीत हुए। भगवान कहते हैं कि अनेक जन्म संसिद्धिर और बहु नाम जन्मना मन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अनंत जन्म इस जीव को बीत चुके। धारिए हजारों देह सुत धारा हजारों कर चुका, धारिए हजारों देह सुत धारा हजारों कर चुका। राम रोता रहा हंसता रहा सौ बार तन धर मर चुका, जय जय गया दुख ही लहा अब तो न व्याकुल चित्त हो। राम ब्रह्मानंद में लवलीन हो मत भोग में आसक्त हो। बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तब चार्जुन। भगवान गीता में कहते हैं कि बहुत जन्म तुम्हारे और मेरे दोनों व्यतीत हो चुके हैं, लेकिन तुम उसे नहीं जानते, मैं उसे जानता हूं। तो गुरु महाराज जी भी उपदेश दे रहे हैं कि बहुकाल माना बहुत जन्म तुम्हारे भटकते भटकते इस संसार चक्र में आवागमन में बहुत घूम चुके। अब तो न व्याकुल चित्त, अब गुरुदेव की शरण में जाओ। जाकर के क्या करना है? सबसे पहले अपनी श्रवण इंद्रिय को जगाना है, जो कान है उन कानों की बहुत ज्यादा कीमत बताई गई है। जो शब्द हम सुनते हैं उसी शब्द के द्वारा मन के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है, उसी शब्द का ध्यान करते करते जिसे अनाहद नाद कहा गया उसका श्रवण करते करते मन की वृत्ति एकाग्र होगी। दूसरा कोई भी उपाय नहीं,
ये सृष्टि उत्पन्न हुई उसका कारण भी है शब्द, ओंकार के शब्द से सृष्टि उत्पन्न हुई और वो शब्द निरंतर बज रहा है, भले हमें सुनाई न पड़े लेकिन इस ब्रह्मांड में वो शब्द व्यापक है। शब्द ब्रह्म कहा गया है, शब्द को ब्रह्म कहा गया है, शब्द को विषय भी कहा गया है। पांच विषयों में पहला नंबर है शब्द, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और ब्रह्म को प्राप्त कराने वाला भी शब्द है, जो गुरुदेव का शब्द मंत्र जिसे नाद कहें, मुरली कहें, शब्द कहें, उनको कानों के द्वारा सुनना है। सत शब्द सुन श्रवण जागे, हऊ मैं संसार दुर्मत भागे। तो दो प्रकार के शब्द हैं, एक संसार के शब्द जिनसे हमारा कार्य व्यवहार चलता है, दूसरा सत्संग के गुरुदेव की वाणी के शब्द जो ईश्वर की तरफ चलने की प्रेरणा देते हैं, और उसी के द्वारा अनाहद नाद जो निरंतर बज रहा है। गुरु महाराज जी ने उसको मुरली कहा, काया नगर में देही मंदिर में, 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 फिर जब बदन बजाई बजाई मुरली मोहन जी सतगुर सुनाई। हरे हजारे सखियों सुनन थियो, सवे हजारे सखियों सुनन थियो, दम दम ध्यान में पलटियो पवन थियो, दम दम ध्यान में पलटियो पवन थियो, हरे सतगुर सुनाई।
पूरी जन बुधड़ी आयो तन आराम पूरी जन बुधड़ी आयो तन आराम घुमन गुंगन जिया पाए घट में शाम घुमन गुंगन जिया पाए घट में शाम पूरी जन बुधड़ी आयो तन आराम लगे गुर शब्द में मन मूरत के माह कहते ऊत दास को यमपुर का दुख नाय। तो यही विधि गुरुदेव के द्वारा मंत्र जप की बताई गई। पहले जबान से नाम का सुमरण, गुरुदेव की मूर्ति का ध्यान, उसके बाद नेत्र बंद, जबान बंद जो श्वास चलते हैं उन श्वासों के अंदर बहुत बड़ी शक्ति है। श्वास उस परमात्मा की, ईश्वर की शक्ति रूप में इस शरीर में विराजमान है। श्वास चलते हैं तो पूरा यंत्र काम करता है। आँख कान इत्यादि ग्राण इंद्रियां, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, दशों इंद्रियां अपना अपना कार्य करती है उस प्राण शक्ति से। अगर प्राण शक्ति निकल जाए तो जितनी भी इंद्रियां हैं वो सब निश्चेष्ट हो जाती हैं। एक बार इंद्रियों की लड़ाई लगी, आँखों ने कहा कि सबसे शक्ति वाले हम हैं, अगर आँख न हो तो संसार के दृश्य देख नहीं सकते, संसार का व्यवहार चल नहीं सकता,
कानों ने कहा कि जो बहरा है शब्द सुन नहीं सकता, उसका जीवन कैसे चलता है? कानों के द्वारा ही सब कुछ संसार के कार्य चलते हैं। एक एक इंद्रिय इस शरीर में से निकलती गई, उसके बाद भी शरीर बाकी बचा रहा। सूरदास ब्लाइंड, वो भी संसार में अनेक मनुष्य जिनको आंखें नहीं लेकिन जीवन चल रहा है, कानों से सुनने की शक्ति नहीं, बहरे हैं फिर भी जीवित हैं। एक एक इंद्रिय निकलती गई, आखिर में प्राणों का नंबर आया। जब प्राण निकलने लगे तो सभी इंद्रियां व्याकुल होने लगेगी। तुम मत जाओ, तुम्हारे जाने से शरीर की समाप्ति हो जाएगी। तो इस शरीर में प्राण श्वास सबसे ज्यादा कीमती है, और उन श्वासों की कीमत शास्त्रों में बताई गई। दलपतए के श्वास को तीन लोक नहीं मोल, वृथा काहे गवाइयो ऐसो श्वास अमोल राम। दलपतए के श्वास को राम, श्वास श्वास सुमरन करो वृथा श्वास मत खोए। क्या जाने के अंत का यही श्वास मत होए राम। हिरन जवार रत्न खा श्वासन जिया अमोलक ही, हिरन जवार श्वासन जिया अमोलक, हिरन जवार रन खा ही श्वास थई अमोलक, हिरन जवार श्वास थोलक, श्वास थोलक, श्वास थोलक, थान तह विज थान तह विज थान तह विज बोला।
जागे तो जागने की विधि, पहले श्रवण इंद्रिय की जागृति, उसके बाद नेत्रों की जागृति, ईश्वर का दर्शन, नेत्र भी अंतर के, दिव्यम ददामि ते चक्षुष ज्योति का दर्शन दिव्य नेत्रों के द्वारा, उसके बाद रसना से नाम का सुमरण, ईड़ा पिंगला जो दायां श्वास और बायां श्वास नासिका में चलता है उसके द्वारा जप की विधि, ये सब विधियां करने के पश्चात गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि जो ऐसा जागे ताको यम का दुख न लागे, उसे फिर जन्म और मृत्यु के चक्कर में आना नहीं। वाणी में गुरु महाराज जी ने फरमाया है,
कहते ऊटगा टोड़े सुरति शब्द समाए कहते ऊटगा टोड़े सुरति शब्द समाए हरे राम कहते ऊटगा टोड़े सुरति शब्द समाए हरे टोड़े अर्थात सभी बंधन तोड़ के मन की वृत्ति लीन हो गई, उसे फिर जन्म और मृत्यु के चक्कर में आना नहीं, ब्रह्मवित्त ब्रह्मैव भवति। तो संत गुरु की वाणी उपदेश देती है कि दुखों से अगर छुटकारा प्राप्त करना है, आधि व्याधि उपाधि शारीरिक मानसिक आत्मिक तीनों प्रकारों के दुखों की निवृत्ति गुरु की शरण गुरु के नाम जप से होगी। उनके पावन चरणों में प्रार्थना करें, आशीष मांगें।